अस्सलामु अलैकुम लेडीज जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ख्वाबों के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रीम्स एज दिस टॉपिक इज सो लॉन्ग, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वी गेट दिस एविडेंस फ्रॉम द अहदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट ड्रीम्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, गुड ड्रीम्स, बैड ड्रीम्स एंड द ड्रीम्स यू गेट इन योर सबकॉन्शियसनेस। अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब, और वो ख्वाब जो आपको रेगुलर जिंदगी की वजह से आते हैं, आपकी सोच की वजह से आते हैं। सो वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इन टू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। सो दिस इज पार्ट वन, and this in this part we're going to talk about good dreams, achhe khwab. So without any further ado, let's get into the video. As I've told you a minute ago, ke rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne khwabon ko teen hisson mein divide kar diya, अच्छे ख्वाब, बुरे ख्वाब, वो ख्वाब जो आपको अपनी सोच की वजह से आते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अच्छे ख्वाबों के बारे में। हमें कैसे पता चलता है कि जो ख्वाब हमने देखा है वो अच्छा है? अच्छे ख्वाबों की निशानी ये है कि व्हेनेवर यू वेक अप फ्रॉम योर ड्रीम, जब आप अपने ख्वाब से बेदार होते हैं, नींद से बेदार होते हैं, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। यू फील रिलैक्स्ड, यू फील कंफर्टेबल, यू फील सो मच हैप्पी, आपको खुशी महसूस होती है, आपको अच्छा महसूस होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ख्वाब लाजमी अल्लाह ताला की तरफ से आया हो और उस ख्वाब की कोई ताबीर हो, यह ज़रूरी नहीं है कि उस ख्वाब की कोई ताबीर हो, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है आपको रिलैक्स फील करने का, आपका कंफर्टेबल होने का, आपका खुश होने की जो फीलिंग आपके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी आपने ख्वाब देखा है वो अच्छा था, वो अल्लाह ताला की तरफ से था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई ताबीर हो। यू जस्ट हैव टू स्टे कंफर्टेबल दैट यू हैड अ गुड ड्रीम। अब हम कुछ मिसालें देखते हैं जो कि हमें कुरान मजीद से मिलती हैं ख्वाबों के मुतल्लिक। लाइक फॉर एग्जांपल, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सॉ अ ड्रीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, उन्होंने अपने वालिद को बताया जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, कि मैंने देखा है कि मुझे 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद सजदा कर रहे हैं। आई हैव सीन 11 स्टार्स, अ सन एंड अ मून प्रोस्ट्रेटिंग मी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली न्यू ही वॉज अ नबी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक नबी थे, तो उनको पता था कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। बट स्टिल ही टोल्ड हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहा कि डोंट टेल दिस ड्रीम टू योर ब्रदर्स, अपने भाइयों को ये ख्वाब मत सुनाना, उनके साथ ये मत शेयर करना। Now, what is the lesson that we get from this? हमें इससे क्या सबक हासिल होता है? The only lesson we get from this is that you are not supposed to tell your dreams to everyone. The reason is they might get jealous. हमें अपने ख्वाब इसलिए दूसरों को नहीं सुनाने, not even your parents, not even your siblings, not even your spouse, no one. क्योंकि वो उससे jealous हो सकते हैं कि भाई ये इतना religious है कि इसको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं और हमें ऐसे ख्वाब नहीं आ रहे, क्या हम बुरे हैं इतने? So this is the main reason we get from this वाक़ा of Hazrat Yusuf alayhi salam that we're not supposed to share our dreams. अच्छे हों, बुरे हों, just don't share it with anyone. The next dream is from Hazrat Ibrahim alayhi salam. कि हज़रत इब्राहिम alayhi salam ने अपने ख्वाब में देखा कि वो हज़रत इस्माईल alayhi salam को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। He went to Hazrat Ismail alayhi salam and he told him कि मैंने देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। And Hazrat Ismail alayhi salam was absolutely ready. वो रेडी थे कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है, then go for it. अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप मुझे कुर्बान करें, तो आप मुझे कुर्बान करें। हम अल्लाह ताला के अहकाम को नहीं टाल सकते। सो दिस इज़ द हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो ख्वाब लगातार आए। जब उनको लगातार आए, दिस इज़ द मेन लेसन दैट वी गेट फ्रॉम इट, कि जब आपको इस तरह लगातार ख्वाब आते हैं, देन यू गेट टू नो दैट दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस एंड यू गेटिंग स्पेशल मैसेज फ्रॉम अल्लाह ताला। आपको अगर इस तरह एक दफ़ा ख्वाब आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही करना हो अनटिल अनलेस यू आर कम्प्लीटली कन्फर्म्ड। जब तक आपको कम्प्लीटली आप कन्फर्म नहीं है, तब तक यू नॉट गोइंग टू टेक एनी स्टेप। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपसे इस तरह कोई लाइक हम आम इंसानों को तो इस तरह ख्वाब नहीं आते, जब तक कि कोई वली अल्लाह ना हो या फिर कोई बहुत अच्छा इंसान ना हो या अल्लाह ताला आपके ज़रिए कोई काम ना कराना चाहता हो, तब तक इस तरह के ख्वाब नहीं आते। अगर इस तरह के ख्वाब आपको रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, देन यू आर सपोज टू टॉक टू एनीवन हु इज़ मोर रिलीजियस और स्कॉलर और समवन हु नोज़ मोर अबाउट इस्लाम, देन यू आर सपोज टू गो फॉर इट। अगर आपको एक दफ़ा इस तरह कोई ख्वाब आ गया है जिसको आपको लगता है कि इसकी कोई ताबीर हो सकती है, देन डोंट गो फॉर इट, बिकॉज यू डोंट नो वेदर दैट ड्रीम एक्चुअली हैज़ अ ताबीर और नॉट। नाउ हैज अ क्वेश्चन अराइजेस, के व्हाट इफ़ यू सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर ड्रीम। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं अपने ख्वाब में, तो वो सही है,
वो असल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे ख्वाब में देखे तो उसने असल में मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरा रूप नहीं ले सकता। वरना शैतान किसी का भी रूप लेके आपके ख्वाब में आ सकता है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन में करेंगे, दूसरे पार्ट में करेंगे। लेकिन इफ़ यू सिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर ड्रीम, ही इज़ एक्चुअली द प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यू ओनली गॉट टू सी हिम, आपको और अंबिया अकराम की भी ज़्यारत हो सकती है, आपको और औलिया इकराम की ज़्यारत हो सकती है। द बेसिक थिंग, हाउ आर यू गोइंग टू नो कि आपको इनकी ज़्यारत हुई है, आपको ख्वाब में फीलिंग्स आएंगी अगर आपके सामने, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई वली अल्लाह हैं, आपको उनकी शक्ल मुबारक नहीं नज़र आ रही, देयर इज़ ऑल नूर, लेकिन आपको एक फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि ये हैं, तो फिर वो ही हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको एक नूरानी शक्ल नज़र आई थी और वो आपसे बात कर रही थी। जाहिर सी बात है, एक सीक्वेंस में ही ख्वाब आता है, कोई ना कोई एक चीज़, कोई ना कोई एक वाक़या ही हो रहा होता है ख्वाब के अंदर। तो आपको जिनकी फीलिंग आएगी कि ये हैं, तो फिर वो होंगे। लाइक इफ़ यू लाइक कि आई सॉ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन माई ड्रीम, अगर आपको अपने ख्वाब के अंदर ये फीलिंग आ रही है कि दिस इज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड अ सीक्वेंस इज़ गोइंग ऑन, देन दैट इज़ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अगर आप अपने ख्वाब में देख रहे हैं, आपके ख्वाब में ही आप सोच रहे हैं और आपके जहन में चल रहा है कि दिस इज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन ही इज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जब पार्ट टू रिलीज so you can get the notification. I'll see you in the next video. Till then, take care of family and yourself. Assalamualaikum.